साहब में आपका स्वागत है। इस समय हम झांसी के सिविल लाइन इलाके में हैं। आप देख सकते हैं कि यह होटल यात्रिक है। यहाँ व्यवसाय के बड़े बड़े केंद्र हैं, डॉक्टर राजीव कपूर का यह हॉस्पिटल है, इसके अलावा कनिष्क का यह शोरूम है और सीएम के शोरूम भी इस लाइन में। आप देखेंगे ये कनिष्क का शोरूम आपको दिखाई दे रहा है और ये सीएम के मोटर्स है। इसके अलावा यह झांसी में खुला बीकानेर का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। देखिए कितना विशाल रेस्टोरेंट है झांसी में, जो आप डिलाइट से चेंज हो रहा है। ऊपर जाने वाले मार्ग पर एसएसपी निवास के ठीक सामने और यह अग्रवाल साहेब के कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम है। यह आशीर्वाद वैवाहिक गार्डन है। इन सारे शोरूम्स के साथ यह झांसी का जो वीआईपी इलाका है, लॉकडाउन में आप देखेंगे कि कितना शांत है और सन्नाटे से भरा हुआ है। यह इलाहाबाद बैंक चौराहे की ओर हम जा रहे हैं। ये सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा है यहाँ पर। अभी है हम सीधे यहाँ से आपको स्टेशन मार्ग की ओर ले चलते हैं। यह झांसी का सिविल लाइन का वो इलाका है जो वीवीआईपी इलाका कहा जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर हर शोरूम यहाँ मिलेगा आपको। एमएम मोटर्स है, द वुड्स हेरिटेज स्कूल्स है। द बेकर्स फैक्ट्री, जी हाँ, ये झांसी की बेकर्स फैक्ट्री, ब्यूटोलॉजी के अलावा ये सगुन बुटीक्स और ये वीआईपी इलाका। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन सब कुछ सन्नाटे में है क्योंकि लॉकडाउन में है। यह प्लाजा है, बीएलसीसी प्लाजा है, झांसी का बीएलसीसी प्लाजा है। देखिए आप इस रोड पर यह पुलिस महानिरीक्षक परिषद झांसी का कार्यालय का मार्ग है और यह झांसी में बड़े आपको दिख रहे हैं कि फ्लैट्स जो निर्माणाधीन है या बन रहे हैं। फिलहाल यह झांसी का जो सिविल लाइन का जो इलाका आप देख रहे हैं, देखिए कितना विशाल इलाका है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े हरियाली भरे नज़ारे और बेहद ही खूबसूरत और सबसे चौड़ा रास्ता। इसके आगे यहाँ पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित सुरेश कुमार जी का भी बंगला है और इस लाइन का ये सामने वाली लाइन में आप देखेंगे कि झांसी के सांसद अनुराग शर्मा का भी, रमेश कुमार शर्मा जी का यह निवास है। और ये देखेंगे कि आप, अब हम स्टेशन की ओर आ गए हैं, लगभग स्टेशन के रास्ते पर आ गए हैं। फिलहाल मार्केट संवाद ने आपको इस मार्ग का नज़ारा दिखाया, हालात दिखाए। आपको यह मार्ग लॉकडाउन में बिल्कुल सन्नाटे में नज़र आया होगा क्योंकि लगभग हर चीज़ लॉकडाउन में बंद है और यह स्टेशन की ओर रास्ता आ गया है। फिलहाल मार्केट संवाद की रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।